every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Living life, every day, late at night, not okay. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में भी डेली का रूटीन व्लॉग है और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिप्स कि किस तरह से आप अचार को लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं, चाहे वो होममेड अचार है या वो बाज़ार का अचार है। और इसके अलावा डेली की रूटीन है, तो सबसे पहले जो मैंने डे का आगाज़ किया है वो नाश्ते से किया है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैंने यहाँ पे ऑमलेट बनाने के लिए सारी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह काट के उसकी रखी हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है, साथ साथ पराठे मैंने बना लिए थे, तो यहाँ पर मैं अभी इसको डाल दूँगी यहाँ पर पैन के ऊपर। और ये देखिए मज़ेदार सा ऑमलेट जो है ना वो बिल्कुल हो चुका है रेडी एक साइड से। अब इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है, इसको मैंने किया फ्लिप, और ये जो है ना नाश्ता हमारा हो गया था रेडी। उसके बाद मैंने फाइनल का क्लिप एज़ यूजुअल जो है ना मेरा फिर से मिस हो गया, और नाश्ता यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था, बस यही ऑमलेट बनाया था और साथ चाय वगैरह थी। तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि डिटर्जेंट्स वगैरह मैं किस तरह से रखती हूँ और ये कि आप अपनी चीज़ें किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटर्जेंट्स मैंने लिए हैं, एरियल जो है वो मैं मेनली यूज़ करती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो ये जो बोतल थी मेरे पास, ये थी लिक्विड डिटर्जेंट की। लिक्विड डिटर्जेंट जब ख़त्म हो गया था तो उसकी बोतल को मैंने प्रिजर्व कर लिया। ये बड़ी अच्छी हैंडी सी बोतल है, इसमें मैं जो भी सर्फ है वो मैं ऐड कर देती हूँ। ये 1 लीटर आराम से, 1 लीटर की थी तो 1 kg आराम से इसमें आ जाता है, तो इसमें मैं सर्फ वगैरह डाल देती हूँ। एक्चुअली एक तो आपको बार बार हाथ सर्फ में नहीं डालने पड़ते हैं, आप हाथ से भी ना डालें, और आप पैकेट को भी जो है ना आसानी से इस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं और चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी हैंडी है, बस आपने इसको कवर उतारा और आपने इसको ऐड कर दिया वॉशिंग मशीन में पाउडर, और इसको दोबारा से कवर कर दें तो आपका सर्फ जो है ना वो सेफ़ रहेगा। पैकेट्स में अक्सर ऐसे होता है कि आपके पैकेट्स में ना पानी चला जाता है, वॉशिंग में अक्सर ऐसे होता है पानी चला जाता है, तो ये चीज़ जो है ना आपको मिनिमाइज़ हो जाएगी। अब ये जो सेकंड था ये मैं बस ऐसे बच्चों के जो खाने पीने के कॉइन्स वगैरह होते हैं चॉकलेट कॉइन्स उसका बॉक्स था, तो इस तरह से आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी प्यारी सी लगेगी, इसका कवर भी है मेरे पास, तो अब मैंने ये डिटर्जेंट इसमें ऐड कर दिया। ये मैंने रखा हुआ है छोटी मोटी चीज़ें वॉश करने के लिए जो मेन वॉशिंग से हट के होती हैं, तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको आप वॉशरूम में कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पे आपको डिटर्जेंट एक्स्ट्रा ज़रूरत हो, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद कुछ मसाला थे वो भी मैंने अपने बॉक्सेस में डालने थे, तो ये सारा काम मैं एक साथ ही फिनिश कर लूँगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं रीयूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं। अक्सर औकात जो है ना हमारे पास जो भी घर में जो चीज़ें आती हैं उनकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि उस चीज़ से ज़्यादा अच्छी वो हमें पैकिंग लग रही होती है, तो हम उस चीज़ को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने बॉटल्स आपके साथ शो की हैं, ये इस्तेमाल हो सकती हैं बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप इसको जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, जिसको आपको एयर टाइट बॉक्स की ज़रूरत है, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ों को रीयूज़ ज़रूर करना चाहिए, एक तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा आप बहुत सारी अपने जो मनी है वो बचा सकते हैं नई चीज़ें ख़रीदने के लिए स्टोर करने की। तो यहाँ पे मैंने सारे जो मसाले थे ये मैंने इसमें ऐड करने शुरू किए हैं। कुछ मसाले जो थे वो ऑलरेडी थे लेकिन मैंने इनको दोबारा से बॉक्सेस में डाल दिया है, क्योंकि पैकेट्स में ये इतनी देर चलते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो यहाँ पर सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे का सारा जो मेरा मसाला बॉक्स है ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इस तरह से मैंने अपने मसाला बॉक्स की सेटिंग की हुई है, तो ये काम भी हो गया था मेरा फिनिश। आज मैं बना रही थी ये भिंडी अपनी अम्मी के स्टाइल की, तो ये फटाफट से मैंने ये काम भी कर लिया, और थैंक्स फॉर दी मॉम फॉर दी रेसिपी कि बड़ी इजी सी मेरी रेसिपी बन गई थी। सबसे पहले मैंने अलीज़ा को स्कूल भेज के ना उसका पेपर था उसको मैंने स्कूल भेज के उसी टाइम पे भिंडियाँ वॉश करके रख दी थी, उनको मैंने ड्राई किया, उनको मैंने काट लिया, अब यहाँ पर उनको फ्राई कर रही हूँ जब तक अच्छे से उनकी लेस ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है ना मैंने अब बर्तन भी वॉश करने हैं, तो बर्तन जो है ना रात के जो ड्राई हुए थे वो मैं ड्राइंग रैक से निकाल दूँगी, इसकी सेटिंग करूँगी। कुछ जो टॉयज जो बच्चियाँ मेरे गंदे कर देती हैं वो भी मैं साथ साथ वॉश करके ना इसी के अंदर रख देती हूँ, तो जब वो ड्राई हो जाते हैं तो मैं दोबारा से उनके टॉयज़ में ऐड कर देती हूँ, तो उसकी मैं सेटिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं जो आज के बर्तन हैं उनको वॉश करना शुरू करूँगी। तो साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी और साथ साथ मैं किचन क्लीनिंग का काम भी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन निकाल लिए हैं जो ड्राई हुए थे, अब यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करना शुरू करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात ज़रूर करूँगी कि जो भी लड़कियाँ जो गर्ल्स घर में खाना बनाना सीख रही हैं, जो अनमैरिड हैं या अभी वो कुकिंग का काम सीख रही हैं,
और कुकिंग तो मस्ट आनी चाहिए। हम लोग काफ़ी जो है ना कभी कभार लिबरल हो के कहते हैं कि भाई कुकिंग हमने क्या करनी है, लेकिन ये चीज़ें बेसिक्स हैं, ये लड़कियों को ज़रूर आनी चाहिए। तो जो भी घर में जो सीख रही हैं उनको चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट करें, घरों में सीखें, अपने अपनी माँ से। बेसिकली हम अपनी माँ से ही सीखते हैं कि जो बेसिक चीज़ें जो हम सीख सकते हैं वो हमें एक माँ ही सिखा सकती है। उसके अलावा हम जो आगे एक्सप्लोर करते हैं या हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा अपना होता है, लेकिन हमें जब बेसिक आती होती है तो तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा उनके लिए कि जब तक आप अपने घरों में हैं आप अपनी माँ से सीखें, आप एक्सप्लोर करें और आप अपनी जो है ना कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो आपको अपने घर में मिल सकती है वो कहीं नहीं मिल सकती। घर में आप कोई चीज़ अच्छी बनाएंगे तो उस पर अप्रिसिएशन मिलेगी, अगर अच्छी नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा आपका मजाक बनाएंगे, थोड़ा सा आपको किडल करेंगे, और यह है कि वो चीज़ भी खाई जाएगी और आपको नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा जो है ना मिल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करना है। लेकिन ससुराल में मोस्टली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, आपको आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो आपको जब आ भी जाता है तो काफ़ी टाइम के बाद भी ना आपकी ये बात याद होती है कि भाई उसको तो ये नहीं पकाना आता था, अब इसको आ गया है। तो ये चीज़ों से आप बच सकते हैं। आज कल लड़कियां भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत माशाल्लाह से एडवांस हो चुकी हैं, तो उनको काफ़ी जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, और वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करती हैं। इवन की पूरी फैमिली का वो नक्शा ही बदल देती हैं। लेकिन यह कि ये बेसिक चीज़ें हैं ये आनी चाहिए, और जो फ्रीडम आपको अपने घर में मिल सकता है वो आपको ससुराल में कभी भी नहीं मिल सकता है, चाहे आपका ससुराल कितना भी अच्छा है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो कुकिंग जो है ना अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएं और उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े। तो मुझे भी शुरू से कुकिंग का शौक़ था, और ये कि मैंने जो बेसिक कुकिंग सीखी है वो अपनी अम्मी से ही सीखी है। उसके बाद ये कि मुझे शौक़ था, फिर मैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बीच में करती रहती थी, तो उससे थोड़ा सा जो है ना मेरा लेवल अप हो गया है। तो ये चीज़ जो है ना आप अपनी बच्चियों को भी ज़रूर सिखाएं, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, अब मैंने यहाँ पे ड्राइंग रैक में रखने शुरू किए हैं, और उसके बाद साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी। खाना जो है ना ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका था। मैंने अपनी मम्मी की स्टाइल वाली झटपट वाली भिंडी बनाई है, और उसकी रेसिपी मैंने पूरी आपको यूट्यूब वीडियो में मेरी मिल जाएगी, अभी रिसेंट वीडियोज़ में ही है, आप वहाँ से पूरी रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भिंडियाँ मैंने फ्राई कर ली थी और वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी हुई थी, बस जस्ट मैंने मिक्सिंग करनी थी और बस उसके बाद मेरा खाना रेडी हो जाना था। तो इतनी देर में मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, तो यहाँ पर जो था ना मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट जो कहता कंप्लीट। करने वाला काम मैंने ख़त्म कर लिया था, और भिंडी भी देखिए मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट सी रेसिपी है ये, अब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत इजीली ये बन गई थी। और इनफैक्ट यहाँ पे अलीज़ा के दादा वो खाना भी ले जा चुके थे, ये अलीज़ा के खाने का टाइम था, और रोटी भी मैं यहाँ पर बना चुकी थी। अच्छा, उसके बाद ये पोरिज था, इसको भी मैंने डालना था। पोरिज जो है ना ये बड़ा अच्छा, इसका सी लॉग वाला बैग है, तो ये वाला मैंने मंगवाया, लेकिन इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोतल में। ऑलरेडी पहले भी मैंने इसी में डाल के रखा हुआ था, इसमें ख़त्म हो गया तो उसमें मैं डाल लेती हूँ, तो बाकी का मैं संभाल लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ें बहुत काम आने वाली होती हैं। तो ये ज़िप लॉक बैग जो है ना ये भी बड़ा अच्छा, मुझे इसका साइज़ भी बहुत अच्छा लगा है, और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पोरेज जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो अगर इस तरह से एयर टाइट तरह के बॉक्सेस में हों या ज़िप लॉक बॉक्स में हों तो फिर वो बहुत अच्छा सा जो है ना स्टोर हो जाता है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, अब बाकी को जो है मैं दोबारा से एयर टाइट कर लूँगी और उसको मैं दोबारा से स्टोर कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद जो मैंने अचार बनाया था उसको प्रिजर्व कैसे आप कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। अब देखिए अचार में मैंने लेमन्स डाले थे, ये भी थोड़े थोड़े से रेडी होना शुरू हो गए, तो मैं अचार को भी मिक्स कर रही हूँ थोड़े दिन के लिए कि जब तक ये अच्छा सा जो है ना रेडी हो जाए। तो अचार को आपने प्रिजर्व करना है अगर ज़्यादा टाइम के लिए, तो अचार को ना आपने डिप करके रखना है ऑयल में। अगर आप बाज़ार का भी अचार ले रहे हैं तो उसको आप किसी इसी तरह के बॉक्स में ऐड करें, और उसके बाद आप उसमें सरसों का तेल उसको गर्म करें, जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, उसको गर्म करें, उसके बाद उसको ठंडा करें, और उसके बाद उसको आप ऑयल में डाल दें। तो जितने भी अचार के इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अचार में ना अच्छे से डिप होना चाहिए ऑयल में, तो आपका अचार सालों तक ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस अचार में मैंने अब इसमें अदरक और ऐड किया है। एक तो अदरक मेरे अचार में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म क्यों हो जाती है क्योंकि डेली में खाई जाती है, तो
तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी और अदरक ऐड की है। उसके बाद फिर मैंने ऑयल भी ऐड किया था। अब यहाँ पे मैं आज के लिए अचार निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करके इस सारे के सारे को डिप करना है। जब आप अचार को छोड़ें तो अचार के जितने भी पोर्शन हैं, जो भी इसकी वेजिटेबल्स हैं, उसको अच्छे से डिप होना चाहिए अचार में। तो आज के लिए मैं इसमें से यहाँ से अचार निकाल रही थी, और उसके बाद सारे के सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और इस तरह से आपने डिप करके रखना है अगर आपने अचार को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। अब देखिए इस तरह से आपने इसको करना है, ये ऑयल इसमें काफ़ी सारा है। इस तरह से आप इसको मिक्स करके और इसको डिप कर दें। सारे के सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो ऑयल में अगर आपकी डिप होंगे तो अचार आपका कभी भी नहीं ख़राब होगा। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करें अगर आपने अचार को करना है। उसके अलावा आपने अचार के लिए हमेशा साफ़ चम्मच यूज़ करना है, साफ़ और ड्राई हुआ हुआ चम्मच। जब भी आप अचार को निकालें, आपने कोई यूज़ हुआ हुआ चम्मच या आपने पहले का यूज़ हुआ हुआ या अचार के अंदर भी आपने स्पून नहीं रखना है। आपने हर दफ़ा न्यू चम्मच निकाल के धुला हुआ और ड्राई हुआ हुआ चम्मच उससे आपने अचार निकालना है। उसके बाद उसको वॉश कर दें। अचार के अंदर आप बिल्कुल भी स्पून ना रखें, एक तो उसमें फंगस लग जाता है और गीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका चम्मच गीला होगा तो आपका सारे का सारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैं प्रिजर्व करके रख देती हूँ और इस तरह से मैंने अपने अचार को स्टोर किया हुआ है। तो ये टिप आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने डिप कर लिया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ऑटम क्लीनिंग चल रही है। मैंने अभी यहाँ पे बिस्तर वगैरह को धूप लगाने के लिए रखा हुआ था। तो ये है मेरी बालकनी, मैंने बालकनी में ना इसके ग्रिल के ऊपर ही डाल दी हुई थी क्योंकि यहाँ से मैं आसानी से उतार लूँगी, छत से उतारना मुश्किल होता है। अब ये जो विंडो है मैंने इसके पर्दे उतार के वॉश कर दिए हैं और इसको और अब शीशे जो है ना इसके मैंने सारे साफ़ करने हैं। और अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ, रात का टाइम हो चुका है तो मैं इनको जो बिस्तर हैं इनको उतार के अंदर ले आऊँगी। तो रूम नंबर 2 की भी सेटिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे रात का टाइम था और ये मैंने बनाया था मज़ेदार सा आलू और गोभी का पराठा। तो इसी के साथ मैं करूँगी अपने व्लॉग को भी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।